ये कांग्रेस सरकार नहीं थी, ये कुर्सी की सरकार थी। भाजपा बदलती रहती ना, 5 साल में विधायक रहता है। सरकार से संतुष्ट नहीं है। सरकार से संतुष्ट नहीं है क्यों? क्योंकि सरकार ने उचित फंड दिया नहीं। बीजेपी का जो कार्यकाल था इस बार बहुत अच्छा रहा था वहाँ पे, तो हम चाहते कि और इस बार भी और अच्छा कार्यकाल रहे, तो पूरा समर्थन हमारा बीजेपी को ही रहेगा। कई सांसद जीतने के बाद वापस क्षेत्र में नहीं आते। जयपुर की विधानसभाओं का लगातार हम जायजा ले रहे हैं, वहाँ की गणित हम आपको समझा रहे हैं, और इसी कड़ी में आज फिर से हम जयपुर की एक विधानसभा में आ गए हैं, और उस विधानसभा का नाम है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ हम वहाँ की आम जनता से जानेंगे चुनावी मुद्दों के बारे में, चुनावी समीकरण के बारे में। तो चलिए चलते हैं आम जनता के बीच और वहाँ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विद्याधर नगर की आम जनता के बीच हमारी मौजूदगी है। देखिए, मौजूदा समय में यहाँ से भाजपा के नरपत सिंह राजवीर विधायक है, जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके कार्यकाल में यहाँ कितना विकास कार्य हुआ और कितना नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश सिंह नाथावत है। अच्छा, देखिए लगातार 15 साल से यहाँ भाजपा का वर्चस्व रहा है, किन मुद्दों पर काम हुआ है? विकास के मुद्दों पर काम हुआ है। जैसे एक दो काम की नहीं है? जैसे महाराव शेखा सेतु बनाई है आपके सामने, जगह जगह नालियां बनी है, पानी की टंकियां बनी है, और सड़कों का जाल बिछाया है। जिस तरह से बहुत विकास करवाया है नरपत सिंह जी राज। क्या नाम है आपका? अच्छा, विद्याधर नगर में क्या मुद्दे मुखर है? मुखर दो मुद्दे हैं अभी, जो हॉस्पिटल का है, कॉलेज का है, ये मुखर मुद्दे हैं, और जो अन्य जो नालियों का है, सड़कों का पर काम हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और सेंक्शन भी हुआ, हॉस्पिटल सेंक्शन भी हुआ था यहाँ पे अभी, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो रुका हुआ है। अभी जैसे दिया कुमार जीतेंगी तो वो जरूर बनाएंगे। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि वो ही जीतेंगी? पूरा माहौल एक तरफा माहौल हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? चंद्र कुमार। अच्छा, तो बताइए कि क्या यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, और आने वाले समय में आप सरकार से किन मुद्दों की उम्मीद करते हैं कि उन पर काम हो जाना चाहिए? का मेन मुद्दा है सेटेलाइट का, जिसने वसुंधरा सरकार ने उद्घाटन किया था, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, उसने बंद कर दिया बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहले सेटेलाइट बनना चाहिए। तो ये पिछले 15 साल से तो यहाँ भाजपा की सरकार है ना? भाजपा बदलती रहती ना, 5 साल में विधायक रहता है। अब जैसे घोषणा करी वसुंधरा ने और कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस ने उस पर अमल नहीं किया बिल्कुल, ये फर्क पड़ गया। क्या नाम है सर आपका? भीम सिंह शेखावत। शेखावत, आप बताइए कि आने वाले समय में आप विद्याधर नगर क्षेत्र का किस तरह से विकास देखना चाहते हैं? विकास की बात करें तो हम सेटेलाइट हॉस्पिटल है, जो पानी की प्रॉब्लम है उसके लिए बिसलपुर का जो जाल बिछाया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम उसका पूर्ण होने वाला है, और सड़कें जो भी बची हुई है करीब करीब वो भी पूरी बजट पास हो गया है, वो सारी चीज़ें अच्छे से काम हो रहा है। तो MLA के रिपोर्ट कार्ड से कितने संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं मैडम। क्या कैसे संतुष्ट है, क्या विकास कार्य हुआ है, एक दो काम बताइए। बहुत विकास हुए, बहुत जगह जगह बोरिंग करवाए हैं, कई तरह के विकास किए हैं। सरकार से संतुष्ट नहीं है। सरकार से संतुष्ट नहीं है क्यों? क्योंकि सरकार ने उचित फंड दिया नहीं, तो ताकि विकास कार्य हो नहीं पाए। तो सरकार कांग्रेस की है लेकिन यहाँ पे विधायक जो है भाजपा के है, तो क्या लगता है आपको कि उनकी अपनी बात सरकार तक पहुँचने में कोई दिक्कत आती है? सरकार तक तो MLA साहब पहुंचाते हैं लेकिन वो फंड देते नहीं है, वो कांग्रेस के MLA को ही फंड देते हैं, बीजेपी MLA को फंड देते नहीं थे, अशोक गहलोत जी। सर क्या नाम है आपका? मनमोहन जांगिड़। आप बताइए कि आपको विद्याधर नगर क्षेत्र में जिन भी मुद्दों पर अभी तक काम हुआ है उनसे आप संतुष्ट हैं, और MLA को कितने नंबर देते हैं? जी मैं 100% संतुष्ट हूँ, और MLA को 10 में से 10 नंबर देता हूँ। 10 में से 10 पूरे सारे काम हुए हैं, गिनाइए एक दो। जैसे रोडें बनी है सारी, तो और जैसे सरकार से फंड नहीं आया फिर भी अपने MLA को उससे जो फंड दिया है उससे विकास किया है। आप बताइए कि लगातार यहाँ पे पिछले 15 साल से सत्ता में काबिज है भाजपा, ठीक है, तो उनके वर्चस्व में कितना काम हुआ है? पूरा काम हुआ मैम। जैसे बताइए एक दो काम। कॉलोनी रोडें बनी है, बोरिंग हुआ है, पानी की टंकी बनी है। और आने वाले समय में किन मुद्दों पर आप काम होते हुए देखना चाहते हैं? वो हमको हॉस्पिटल चाहिए, सेटेलाइट हॉस्पिटल, उसके लिए हमारी दिव्या भारती से बात हो गई है, और जीतने बाद बनेगा वो। इस बार विद्याधर नगर क्षेत्र में किस पार्टी को वोट करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि दिया कुमारी जी को टिकट मिला है और वो एक लोकप्रिय चेहरा है, जिन्होंने जहाँ जहाँ गए उन्होंने विकास के झंडे गाड़े हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास कार्य कर सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेश है। विद्याधर नगर में जो भी अभी तक विकास कार्य हुए हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं आप?
जी मैडम, विद्याधर नगर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और वहाँ से जो पूर्व विधायक रहे हैं नरपत सिंह राजवी, उन्होंने भी बहुत अच्छा विकास करवाया है। और मेरा क्या करवाया, एक दो काम गिनाना चाहेंगे? जैसे वहाँ रोड है, पेयजल है और सीवरेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी उन्होंने ठीक करवाया है। और मैं खुद विद्याधर नगर निवासी हूँ तो मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ। आने वाले समय में विद्याधर नगर क्षेत्र में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? विद्याधर नगर में थोड़ा सड़कों का निर्माण और अच्छे से हो विद्याधर नगर में, और जो पेयजल की समस्या है थोड़ी जो ज़्यादा अच्छे से बेहतर की जाए। बाकी मेरा पूरा समर्थन बीजेपी पार्टी को है। और बीजेपी को क्यों है? बीजेपी का जो कार्यकाल था इस बार बहुत अच्छा रहा था वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि और इस बार भी और अच्छा कार्यकाल रहे, तो पूरा समर्थन हमारा बीजेपी को ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस तो 7 गारंटियों को लेकर वापस इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमाना चाहती है। कांग्रेस तो बहुत सारी गारंटियां लेके आ रही है, गारंटियां कांग्रेस जब से आई है तब से गारंटियां लेके आ रही है, अभी तक कांग्रेस की ऐसी कोई गारंटियां पूरी हुई नहीं है। कांग्रेस अपनी गारंटियां सब अपने कागजी कार्रवाई में लेके आती है, ऐसी कोई कार्रवाई उन्होंने धरातल पे नहीं उतारती है। कुछ नहीं है उनकी ओर से धरातल में, हमने तो देखा नहीं इधर आतल पे कुछ उतरा। मेन इशू पेपर लीक का है, क्योंकि मैं भी उसको भुगत वो क्यों, क्योंकि जितने भी एग्जाम दिए हैं सब में पेपर लीक हुआ है। बार बार इतनी दूर से किराया और इतना परेशान होना, तो अभी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के। पेपर लीक वाला जरूर वो गारंटी ले, तो ये वाला काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, तो कांग्रेस को पेपर लीक को जरूर धरातल पे और भी अच्छे से कर सकती है, तो कांग्रेस ये काम बहुत अच्छे से कर रही है। बट हमारा समर्थन पूरा बीजेपी को है, कांग्रेस आराम अपना आराम फरमाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरा सपोर्ट हमारा बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में SIT गठित करने की बात कही है कि पेपर लीक को लेके, तो हम तो उसकी वजह विश्वास है कि मैनिफेस्टो में जिन जिन भी कामों का बीजेपी ने जिक्र किया है वो पूरा कर देगी। जी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि युवाओं के लिए जो SIT की बात करी है बीजेपी ने, तो उसको जरूर वो अपने प्रायोरिटी में रखेगी। बीजेपी ने जो जो वादे किए ना वो पूरे किए, चाहे सारे वादे पूरे किए हैं, एक भी अछूता नहीं रहा। 370 को लेकर, 3 तलाक को लेकर, राम मंदिर को लेकर, जो उन्होंने जो जो वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। तो हमें विश्वास को देखते हुए फिर से आप बीजेपी को वोट करोगे? हमें उम्मीद है कि आगे भी बीजेपी अपने जो जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी। CM का चेहरा अभी जो है वो कमल का फूल है, और वैसे सारे ही नेता हैं जो बढ़िया हैं, तो जो शीर्ष नेता जो डिसाइड करेगा वो बनेगा। देखिए 15 साल बहुत होते हैं किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए, क्या काम हुआ है विद्याधर नगर में पिछले 15 साल में? विद्याधर नगर में अच्छा काम हुआ है, सारे जैसे रोड है, रोड लाइटें हैं, सीवरेज हैं, सारे काम हुए हैं। और जैसे और एक दो काम और गिनाइए। फ्लाईओवर बने हैं, ये इधर जो एक्सप्रेस बन रहा है अपने सोम पुलिया से ऊपर जो एलिवेटेड रोड बना है ये भी बन रहा है, उसी पीरियड में बनाई है 15 सालों में। क्या नाम है आपका? पोकटराम जी देवासी, जेताराम विधानसभा सभा से, लोकसभा क्षेत्र राजसमंद, मैम दिया कुमारी जी का जो लोकसभा क्षेत्र से हम लोग आए हैं। जो 5 साल का मैडम जो काम किया उसका कार्ड है, हमने ऐसा हमने सांसद नहीं देखा पूरा हिंदुस्तान में। मैं मानता हूँ आने वाले समय में यहाँ उनसे किन कामों की उम्मीद करते हैं? मैं पहला मेरा क्षेत्र का कार्ड बताऊं, जो हमारा 70 साल में काम नहीं हुआ, मैम आने के बाद हमने कई सांसद देखे, ये 4th सांसद आएंगे 2024 का चुनाव में, कई सांसद जीतने के बाद वापस क्षेत्र में नहीं आते, सबका साथ सबका विकास। इन्होंने गांव गांव डाणी डाणी जो 450 किलोमीटर दूरी पड़ता है राजसमंद से डेगाना जाखेड़ा गाँव, मतलब रेलवे का काम हो, जेतान विधानसभा में हमारा 70 साल से हमारा रेलवे का काम इतना पिछड़ा वर्ग था, जिसमें से रेलवे का इतना काम जाल बिछाए, रास से बिलाड़ा, रास से मेड़ता, मांडलगढ़ से रास, हावी रोड, इतना ऐतिहासिक काम हुआ। और ऐतिहासिक जो मोदी जी की जो योजना थी धरातल पर लाना, मैं तो गॉड इज़ गिफ्ट भगवान का एक उपहार देखना चाहते हैं कि विद्याधर नगर में बहुत बड़े किस्मत वाले हैं ये जो सर समाज और छत्तीस को जो ऐसा एक प्रत्याशी को चुना। आप बताइए यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं आप? पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भी विकास कार्य हुए उससे मैं नहीं, विद्याधर नगर की जनता लगातार संतुष्ट है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से लगातार जीतता आ रहा है। और इस बार जो लहर है, जो युवा देश के लिए वोट करना चाहता है, राष्ट्र के लिए वोट करना चाहता है, राम मंदिर पर वोट करना चाहता है, धारा 370 हटने पर वोट करना चाहता है, कश्मीर मुद्दे पर वोट करना चाहता है, विद्याधर नगर विधानसभा राजस्थान में टॉप जीत का मार्जिन लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिया कुमारी जी यहां से विजय होंगे। इतने निश्चिंत कैसे हैं? कार्यकर्ताओं का आप रुझान देखिए, आप अगर आम कार्यकर्ता आप कॉलोनियों में जाइए, दिया कुमारी जी के जो पिछले काम थे, जहाँ राजसमंद में सांसद रहते हुए 550 किलोमीटर का जो एरिया था लोगों ने पता किया है, वहाँ से वहाँ के कांग्रेसी अभी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भरे मन से कहा है कि मैंने ऐसी सांसद नहीं देखी जो MLA से ज़्यादा आती है, इसलिए पूरा गांव गांव ढाणी ढाणी सब।
आप बताइए एमएलए के रिपोर्ट कार्ड को कितने नंबर देते हैं? 10 में से 9। 10 में से 9? ठीक है, 10 में से 9 क्यों, 10 में से 10 नहीं? उसका कारण था वो जनता के बीच में कम रहे, इसलिए एक नंबर कम है, बाकी काम के प्रति उनको हमेशा वो जागरूक रहे। क्या मुद्दे अछूत रह गए? मुद्दे ऐसे कोई खास मुद्दे अछूत नहीं, एक सेटेलाइट हॉस्पिटल का था जो मैडम ने आते ही सबसे पहले उनका यही है कि सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाएंगे हमारी पंचायत समिति में, जो पिछले 10 साल से अलॉट तो हो गई लेकिन वो अभी तक वो हॉस्पिटल बना नहीं। क्या लगता है सर, भाजपा के गढ़ में इस बार कांग्रेस बाजी मार जाएगी या फिर से भाजपा ही? बिल्कुल ही नहीं मार पाएगी, बाजी बीजेपी की होगी। और हमारे जो दिया जी यहाँ से विद्याधरनगर क्षेत्र से खड़े हुए हैं, इनकी ऐतिहासिक जीत होगी, पेपर में नंबर 1 पे नाम आएगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से दिया कुमारी जीती। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे जिन पे काम हुआ है और जिन पर काम नहीं हुआ है? बट लगभग सारे मुद्दे पूरे काम हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पूर्व मेरे मित्र ने कहा कि सेटेलाइट का बड़ा बड़ा मुद्दा था, आदरणीय नरपत सिंह ने दो बार उद्घाटन किया लेकिन सरकार कांग्रेस के होने के बावजूद काम नहीं हो पाए। और निश्चित दिया जीतेगी और दिया जीतने के बाद निश्चित इसका उद्घाटन भी होगा और निर्माण भी होगा और इस विधानसभा को शानदार अच्छा काम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य पर कितना काम हुआ है? मूलभूत विकास के मामले में देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉलोनीज ऐसी है जो लोकेलिटी में बता रहा हूँ जो ऑलरेडी डेवलप है, जिनमें सीवरेज लाइट और सड़क की है, जो नई बस रही है कॉलोनियाँ उनमें सीवरेज वगैरह का काम लगातार जारी है। और नरपत सिंह जी के 15 साल को देखें और भाजपा के निगम के कार्यकाल को देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर बराबर काम हो रहा है बिल्कुल, और निश्चित रूप से दिया कुमारी जी जीते हैं। आप बताइए कि क्या लगता है आपको आने वाले जो समय में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, किस तरह से विद्याधर नगर को आप देखते हैं? देखो ज़्यादातर काम यहाँ इस क्षेत्र में हो चुके हैं, बाकी सैटेलाइट हॉस्पिटल की एक कमी है, वो भी मैडम ने वादा किया है जैसे ही वो जीतेंगे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा, जो वादा किया वो पूरा कर देगी? वो बिल्कुल पूरा करेंगे, रातल पे उतरेगी? बिल्कुल उतरेंगे। स्वयंमाधोपुर भी हमने पता किया था, वहाँ भी विकास कार्य खूब हुए हैं, राजसमंद से जहाँ से ये MP रही हैं मैडम वहाँ से भी बहुत विकास कार्य हुए हैं। पेयजल की समस्या को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि एक समय में एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे छाया हुआ था वो? पेयजल की समस्या को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजवी साहब थे उन्होंने भी पानी की समस्या को लेकर अभी दो टंकियों का निर्माण किया है, और आगे हमें हमारी जो प्रत्याशी दिया कुमारी जी है उनसे भी हमें ये आशा रहेगी कि वह पेयजल की व्यवस्था बिशरपुर की लाइन है जैसे, या अपने विद्याधरनगर लाना महनाड की साइड पेयजल की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, तो उन्होंने वादा किया है कि वहाँ एक नई टंकी का निर्माण और बिशरपुर की लाइन बिछाने का काम उन्होंने तय किया है। क्या चाहती है विद्याधर नगर की जनता इस बार, क्या जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे विधायक? बिल्कुल बिल्कुल, 200 विधानसभा में से सबसे हाईएस्ट वोटों से जीतेंगे, डबल इंजन की सरकार बन रही है हमारी, पूर्ण बहुमत समाज सरकार बन रही है, एवरेज 150 सीटें हमारी भाजपा सरकार बन रही है, हमारा मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी अमित शाह जी के सबसे विश्वास पत्रों में से थे, तो कोई मतलब विधानसभा का कोई चेहरा है तो दिया कुमारी जी है। पूरा राजस्थान में काम करेंगी, मैम की जरूरत है पूरा राजस्थान में। हम तो मैडम हम तो आपको कह रहे हैं कि हम जेतारण विधानसभा वाले हम मैम को चाहते कि नादवाद वाले चाहते थे, ढेगाना वाला चाहते थे कि मैम यहाँ से टिकट ले लो, कुछ किस्मत समझो, भगवान का गॉड इज़ गिफ्ट ये विधाता नगर के लिए, सर समाज के लिए काम का कोई कमी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने 5 साल कदम से कदम इनके पीछे मैंने काम किया, मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ, पूर्व पंचायत समिति मेंबर भी हूँ, हमने जो हमारी सरकार नहीं थी फिर भी जो ये गुंगबी बस सरकार के सामने मैम ने जो काम किया, कुर्सी बचाने की सरकार, महिलाओं पर अत्याचार, मजदूरों पर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, आज बेरोजगारी का जो आज युवाओं का बेरोजगारी के किन मुद्दों पर काम हुआ है और क्या लगता है युवाओं की जो समस्या है वो हल कर देगी मैडम? मैडम बिल्कुल निश्चित है, पूर्ण विश्वास है, ईश्वर से साक्षी रूप कहते हैं कि जो ये पेपर लीक का मामला है नहीं, वो युवाओं का जो हमारे मम्मी पापा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भविष्य है देश का और पूरा हिंदुस्तान का और राजस्थान का और समाज का भविष्य है, जो बच्चे पेपर देते हैं और बस सरकार ये कुर्सी की लड़ाई की सरकार ने जो युवाओं के लिए जो खिलवाड़ा किया, अब भाजपा सरकार आने के बाद में जो भी पेपर ले किए उनको सीधा जेल में डालेंगे हमारी सरकार आने के बाद में, और जितने भी ये घोटाला किया जो भी कांग्रेस सरकार में, ये कांग्रेस सरकार नहीं थी, ये कुर्सी की सरकार थी। तो आज हमने जयपुर के विद्याधर नगर में जनता से वहाँ के रुझान जाने, वहाँ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड जाना, लेकिन इस बार सत्ता में काबिज कौन होगा, सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा, इसका फैसला हर बार की तरह इस बार भी जनता ही करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई विधानसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।